और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं काव्य पाठ के लिए आदरणीय योगेश पंकज जी। योगेश पंकज जी काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं, और फिर अगले क्रम में आदरणीय तामेश्वर प्रसाद जी उपाध्याय तैयार रहेंगे, और इस बीच में मैं थोड़ा आवश्यक काम से दिनेश चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। कि व्यर्थ विवाद बुलाना होगा और गीत नया फिर गाना होगा, व्यर्थ विवाद बुलाना होगा और गीत नया फिर गाना होगा, जाना पड़ता सबको जग से यह सच मन में लाना होगा। व्यर्थ विवाद बुलाना होगा, गीत नया फिर गाना होगा, और जाना पड़ता सबको जग से यह सच मन में लाना होगा। जल के बिना जियोगे कैसे, जल के बिना जियोगे कैसे, कल के लिए बचाना होगा, और बीच राम में बैठे थककर ढांडा सुने बनाना होगा, ढांडा सुने बनाना होगा। और पंकज पीड़ा से क्या डरना, पंकज पीड़ा से क्या डरना, हंसकर समय बिताना होगा, और हंसकर समय बिताना होगा, और व्यर्थ विवाद बुलाना होगा और गीत नया फिर गाना होगा। अब एक और सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। कि गिरकर सत्य संभलते देखा, गिरकर सत्य संभलते देखा, और उठकर फिर से चलते देखा। व्यर्थ गिरकर सत्य संभलते देखा और उठकर फिर से चलते देखा। आश्वासन सब हवा हो गए, उनको बात बदलते देखा। गिरकर सत्य संभलते देखा उठकर फिर से चलते देखा। आश्वासन सब हवा हो गए, उनको बात बदलते देखा। भोली जनता को भरमाते फिर उनको चलते देखा। भोली जनता को भरमाते फिर उनको चलते देखा। चीटी कभी ना हिम्मत हारी, कितनी बार फिसलते देखा। चीटी कभी ना हिम्मत हारी, कितनी बार फिसलते देखा। दृढ़ संकल्प रहे सुविधा का, और बुरे समय को टलते देखा और गिरकर सत्य संभलते देखा, उठकर फिर से चलते देखा।